कोटा, देश का वो नाम जिसकी पहचान आज भले ही एक शिक्षा नगरी के तौर पर की जा रही है, लेकिन इससे पहले इसकी पहचान एक औद्योगिक नगरी की थी जिसे बाद में शिक्षा ने पछाड़ दिया। कोटा ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उतार चढ़ाव का साक्षी बना कोटा का रीको। रीको ने कोटा में अपने आप में खासा मुकाम दर्ज किया है और आज भी लगातार कोटा के विकास में भागीदार बना हुआ है। राजस्थान की एमएसएमई की उड़ान, रीको ने बदली कोटा की पहचान। 60,000 लोगों को मिला रोजगार। कोटा के विकास में आई बहार। कोटा रीको का काम शहर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। कोटा में करीब 20 इंडस्ट्रियल एरिया है जिनके रीको और एमएसएमई ने अपने अथक प्रयासों से आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। कोटा के 20 इंडस्ट्रियल एरिया करीब 3,656 एकड़ में फैले हुए हैं। रीको और एमएसएमई ने 3,360 एकड़ जमीन नए उद्योगों के लिए अलॉट की है। अब तक कोटा में 3,002 इंडस्ट्री के लिए भूमि का अलॉटमेंट हो चुका है। 2,872 इंडस्ट्री का अब तक प्रोडक्शन में आ चुकी हैं। इन इंडस्ट्रियों से करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिला है। अंदर 20 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, 3,656 एकड़ जमीन में फैले हुए हैं, 3,360 एकड़ जमीन एलोटेड है और 3,002 इंडस्ट्री को अलॉटमेंट हो चुका है, जिसमें से 2,872 इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आ चुकी हैं और लगभग 60,000 आदमियों को रोजगार मिला हुआ है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ 1965 के आसपास चालू हो गया था, लगभग 50-55 साल हो चुके हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हुए। और कुछ हमारे ब्लॉक्स स्पेशल हैं, पर्यावरण इंडस्ट्रियल एरिया जो फ्लाई ऐश को यूज करते हैं, उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है, फ्लाई ऐश की समस्या खत्म कर दी है उन्होंने। 1965 में कोटा रीको की तरफ से कोटा में इंडस्ट्रियल इलाके की नींव रखी गई। कोटा में औद्योगिक क्रांति लाने का श्रेय रीको को ही जाता है। करीब 55 सालों से रीको अपनी कोशिशों के जरिए कोटा को एक अलग पहचान दे रहा है और रीको की कोशिश है कि औद्योगिक क्षेत्र में कोटा को एक नई मुकाम और एक नई पहचान दी जाए। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो हमने आपको बताया कि कोटा में औद्योगिक विकास की नींव कैसे रखी गई, एमएसएमई और रीको ने कैसे कोटा को एक अलग पहचान दी। अब हम आपको उड़ान में कोटा के रीको इंद्रप्रस्थ इलाके के विकास की बात बताते हैं जो शहर की सीमा में है। तो शहर की धड़कन भी यही है क्योंकि यहां वो तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं जो शहर के विकास का खाका खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोटा में एर्गो वेस्ट, केमिकल, स्टोन, जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल जैसी इंडस्ट्री कौशल विकास केंद्र के साथ विकास की उड़ान भर रहे हैं। कोटा का रीको इंद्रप्रस्थ इलाके में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 1800 इकाइयां हैं जो रीको क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा स्टोन की, क्योंकि कोटा के उद्योगों की रीढ़ है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन न केवल वो पत्थर है जिसने कोटा को देश विदेश तक पहचान दी है, बल्कि कोटा की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा भी अदा किया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कोटा के इंद्रप्रस्थ इलाके में संचालित होने वाले 1800 इकाइयों में से 300 इकाइयां कोटा स्टोन की हैं। और आज कोटा का यह स्टोन न केवल अर्थव्यवस्था के लिहाज से रीढ़ की हड्डी बने हुए बल्कि विदेशों तक अपनी चमक बिखेर रहा है। यूएस, यूके से लेकर मलेशिया,
सिंगापुर और दुबई जैसे कई देशों में कोटा स्टोन पहली पसंद है। कोटा स्टोन के उद्यमी संदीप रुंगुटा बताते हैं कि बड़े पैमाने पर कोटा स्टोन का निर्यात विदेशों तक होता है। रुंगुटा जो कोटा स्टोन की इंडस्ट्री है उसमें हम हैं और इसके जो ऑनर है वो मेरे साथ में है। उनसे समझना चाहेंगे साहब, आपके जरिए जानना चाहेंगे कि कोटा स्टोन कोटा की लाइफलाइन कह सकते हैं, कोटा की इंडस्ट्री की लाइफलाइन कह सकते हैं। और आज कोटा स्टोन आज नहीं लंबे समय से देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पहले तो मैं सबसे पहले कोटा स्टोन के इंट्रोडक्शन को आपसे जानना चाहूँगा। कोटा स्टोन बेसिकली लाइम स्टोन है जो शुरू में गरीबों का पत्थर कहलाया जाता था, परंतु बदलते वक्त के हिसाब से हमने क्या कहते हैं कोटा स्टोन को मॉडरेट करा है। इसको टाइल्स फॉर्म में बनाने के लिए इसको रेडी टू फिट बना दिया है, सिमिलर थिकनेस में बना के बॉक्स पैकिंग में कर दिया है। कोटा स्टोन की शुरू में यहाँ पर 300 इकाइयाँ थी, परंतु अभी कुछ आर्थिक मंदी को देखते हुए 100 इकाइयाँ इस पर काम कर रही हैं, जिसमें से कुछ इकाइयाँ ही इस पर स्पेशलाइजेशन का काम कर रही हैं। अब कोटा स्टोन गरीबों का पत्थर नहीं रहा है, इसमें कुछ हटके कार्य होने लग गए। पहले कोटा स्टोन 20 रुपये फुट तक का ही आता था, अभी 80-100 रुपये फुट तक में बिकने लगा है। कोटा स्टोन तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कोटा स्टोन से निकली स्लरी एक वक्त मुसीबत थी, लेकिन एमएसएमई मदद से जो इनोवेशन कोटा में हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि यहां देश का इकलौता स्लरी वेस्ट प्लांट बनाया गया है। कोटा स्टोन की स्लरी उगल रही सोना। स्लरी का टेंशन अब हो चुका है दूर। कोटा में स्टोन स्लरी का पहला प्लांट। कोटा की पहचान कोटा स्टोन से है, जिसका कारोबार देश विदेश तक फैला है। लेकिन अभी स्लरी का भी हल निकल गया है। पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी स्लरी वेस्ट का हारौती में इस्तेमाल किया जा रहा है। हारौती में नए उद्योग भी इस स्लरी बेस पर खड़े होने लगे हैं। कोचिंग सिटी में कोटा स्टोन स्लरी आधारित देश का पहला प्लांट शुरू हुआ है। शुरुआती चरण में ब्रिक्स पेवर ब्लॉक रेडी फॉर यूज टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहां की जा रही है। कोटा की मूलतः सबसे बड़ी जो पहचान है वो कोटा स्टोन है। कोटा स्टोन का जो पत्थर है वो देश ही नहीं विदेशों तक अपनी खास पहचान रखता है। लेकिन इसके साथ में एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होती है कोटा स्टोन से निकलने वाली स्लरी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको हर ओर एक बड़े पैमाने पर स्लरी देखने को मिलेगी, और हालात ये तक बन पड़े हैं कि कोटा और रामगंज मंडी के इलाकों में इस स्लरी के बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत बड़ी चुनौती हर किसी के लिए बने हुए हैं। लेकिन इसका भी समाधान खोज निकाला, और ये आप देख सकते हैं कि स्लरी को बुरादे में तब्दील कर पाउडर फॉर्म में तब्दील करके, और इससे शुरू हुआ है एक कारोबार। वो कारोबार है पासान वेलफेयर फाउंडेशन ने शुरू किया है, और अब इस स्लरी के साथ में तैयार हो रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के ब्रिक्स ब्लॉक्स और कई तरह के अलग अलग जो टाइल्स हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और अपने आप में अब इस स्लरी का जो यूटिलाइजेशन है वो हो रहा है। ये बड़ा इनोवेशन है और ख़ास है कोटा के रिको इंडस्ट्री एरिया में, जो कि अपने आप में पूरे देश में सबसे अलग बताया जाता है और इकलौता बताया जाता है, जिसकी अपने आप में एक अलग पहचान भी है। यहाँ के संचालक मुकेश त्यागी जी हैं। त्यागी साहब, किस तरह से इसको शुरू किया और क्या खासियत है इसकी, क्योंकि खासियत तो इसी से समझा जा सकता है कि पूरे देश में इकलौता ऐसा प्लांट है जो काम कर रहा है, और कोटा के लिए चुनौती थी स्लरी। हाँ, ये वाकई में चुनौती थी। ये एनजीटी के अंदर भी एक बड़ा भारी मामला चला था 2014 से। उसके बाद एनजीटी के आदेश के अनुसार कि भाई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, स्लरी से कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए, तो उसके लिए CBRI रुड़की ने इसके अंदर एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के अंदर ये हुआ कि इसका ही एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं जो कोटा स्टोन वेस्ट कहलाता है, और जो इसकी स्लरी है लगभग ये 83% दोनों तरह के वेस्ट को मिला के उस तरह का रिसर्च उन लोगों ने डेवलप किया, और उसको सन 2018 के अंदर ये 16/6/2018 को इस प्लांट की स्थापना हुई। और लगभग ये मान के चलें कि इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र की, इस जो पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो हमारा प्लांट कार्य कर रहा है, उसके लिए हमको अभी विगत कुछ दिनों पहले ही
कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने भी फर्स्ट प्राइज इसके लिए दिया था और ये इससे हमारे लगभग 8 से 10 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रहे हैं। आगे विस्तारीकरण इसका किया जाएगा इस प्लांट का। कोटा स्टोन स्लरी के शुरू होने के बाद इससे जुड़े कई और उद्योगों के खड़े होने की उम्मीद बन गई है। इसमें क्या है, एनजीटी से जो नोटिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो दिए गए इंडस्ट्रीजों को, तो उसको देखते हुए जो लगा कि अब जो इस वेस्ट को जो कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन्हीं लोगों को जवाबदारी दी है कि अगर आप जो इस वेस्ट जिस वेस्ट को आप निकाल रहे हो उसके प्रोडक्ट भी आप ही बनाओ। तो ये प्रेरणा जो उनसे मिली है, लेकिन इसमें एक ये कि कम लोग जुड़े हैं इसमें। इसमें अगर सभी लोग अगर इस चीज़ को सोचते हैं कि जो वेस्ट हम निकाल रहे हैं उसी वेस्ट का यूज अगर हम करें, तो आगे और जो भी जो वेस्ट निकालेंगे उसके लिए उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें कि हाड़ौती के लिहाज से कोटा स्टोन का कारोबार काफी बड़ा है। कोटा में स्टोन की 750 खदानें हैं, 5000 औद्योगिक इकाइयां हैं। कोटा में 490 पत्थर कारखाने दिन रात पत्थर तराशने का काम करते हैं। 15000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। 1000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार हो रहा है। 100 करोड़ रुपए के कोटा स्टोन का निर्यात किया जाता है। इस प्लांट को खड़ा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाड़ौती के कारोबार की रीढ़ कोटा स्टोन की वेस्ट स्लरी थी, जो कि पूरे हाड़ौती के लिए मुसीबत बनी हुई थी। यानी जिस कोटा स्टोन की चमक देश विदेश तक फैली है, अब उसकी स्लरी भी सोना उगलेंगी, नए उद्योगों को जन्म देंगी और स्लरी के प्रोडक्ट देश भर के बाजार में नए पहचान बनाएंगे। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई की मदद से जो हाथ बढ़ रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का विस्तार कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मान इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री तेज रफ्तार के साथ औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहा है। यहाँ महिलाओं को आगे लाने, उन्हें सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ाने की दिशा में इस औद्योगिक इकाई में काम हो रहा है। इस इंडस्ट्री के ओनर हैं कमलदीप सिंह, जो बताते हैं कि करीब 70% महिलाएं उनके यहाँ काम कर रही हैं। उनकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महिलाएं दिन रात काम करती हैं। मेरे साथ में इस इंडस्ट्री के जो CEO हैं कमलदीप मान, वो मेरे साथ में है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कमलदीप जी SSI के प्रेसिडेंट भी हैं, तो अपने आप में बहुत सारी खास जो जानकारियां हैं वो हमें इनके ज़रिए मिलने वाली हैं। कमलदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की प्रोडक्टिविटी इलेक्ट्रिक जो आइटम्स हैं उनमें आपकी होती है और किस तरह से अलग वर्क आप कोटा में करते हैं। हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि हम कंपनीज में सप्लाई करते हैं। तो देश में कम से कम इस देश में जितनी भी इकाइयां हैं, भले ही वो श्नाइडर हो, ल्यूमिनस हो, सुकेम हो, माइक्रोटेक हो, LNT हो, सीमेंस हो, सभी हमारे कस्टमर्स हैं। हम प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स बनाते हैं जो या तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं या हम लोगों ने डेवलप करके बनाए हैं। हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी कोशिश करी कि चाइना जाके हमने जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज विजिट करके हमने कोशिश करी कि वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी कॉम्पिटिटिवनेस, वैसी क्वालिटी डेवलप करें यहाँ पे। और जो कि प्रोडक्ट्स पहले इंपोर्ट होते थे वो हम काफ़ी रेंज हम 100-150 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा थोड़ा इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। वेगस में अभी हमने पार्टिसिपेट किया था, म्यूनिक में हमने पार्टिसिपेट किया था, और इसके अलावा जो म्यूनिक में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था मेक इन इंडिया का, वो भी हमने दिया था कि भाई मेक इन इंडिया क्या है, आगे क्या मैन्युफैक्चर हो सकता है और किसका पोटेंशियल है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसका प्रेजेंटेशन भी मैंने दिया था। एक खास चीज़ और मुझे आपके यहाँ पर देखने को मिली, जो देखने को मिलता है वुमेन्स एम्पावरमेंट का, अपने आप में बहुत खास है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के गवर्नमेंट भी बहुत हद तक अपना फोकस रखती है। और आपके यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि शायद 50-50 या 70-30 का रेशियो है वुमेन एम्पावरमेंट को आपने बढ़ावा दिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का इसमें मैं मेरी से ज़्यादा मैं मानूंगा कि वुमेन्स की काबिलियत हमारे लाइन में कम से कम बेहतर होती, क्योंकि टेबल चेयर का काम होता है और बारीक चीज़ों का काम होता है,
तो हमने देखा है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी आती है यहाँ, जो उनका उत्पादकता होती है वो मेन से ज़्यादा होती है। एक तो उनका श्रेय मैं उन्हीं को ही देना चाहूँगा और अनुशासन भी उनका बेहतर होता है। बाकी दोनों तरह हैं हमारे, जो अच्छा काम करता है वो रहे, पर लेडीज़ महिला हमारे यहाँ ज़्यादा काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक के अलग अलग तरह के यहाँ करीब 250 तरह के कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं जो देश के बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन सबसे खास बात है यहाँ महिलाओं का उत्थान और उनके जीवन में परिवर्तन लाना। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। कोटा की औद्योगिक क्षेत्र ने एमएसएमई की मदद के साथ उड़ान तो भरी है, लेकिन आज कई ऐसी जरूरतें भी हैं जो कोटा के इंडस्ट्रियल विकास में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चार चांद लगा सकती हैं। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी है। बिजली आपूर्ति के लिए थर्मल पावर प्लांट किसी भी उद्योग के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इतना होने के बाद भी कुछ दिक्कतें हैं जिसका सामना कोटा को करना पड़ रहा है। कोटा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहां हवाई सेवा का ना होना है, जिसकी वजह से कोटा का उद्योग सेक्टर अभी भी थोड़ा पीछे है। हम काफी टाइम से सरकार को अलग अलग माध्यमों से बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर रॉ वाटर लाइन चंबल से डायरेक्ट ले की जाए और रॉ वाटर की अगर सप्लाई सब इंडस्ट्रीज को दी जाए तो दैट विल बी वेरी गुड एंड दैट विल प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को काफ़ी प्रमोट कर सकता है। वो पावर सप्लाई और पावर उत्पादन काफ़ी है, लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन वगैरह भी काफ़ी हैं पावर के। अगर अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई रहती है तो दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प इंडस्ट्रीज टू ग्रो। यानी हवाई सेवा का शुरू होना कोटा के लिए बेहद जरूरी है, और अगर हवाई सेवा की शुरुआत हो जाती है तो कोटा के औद्योगिक विकास में पहिए लग सकते हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के विकास और सर्वदवन के लिए एक दिवसीय समिट फिक्की ने आयोजित की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। कार्यक्रम में एमएसएमई सेक्टर के विकास, प्रोत्साहन, तकनीकी सहयोग, कर्ज उपलब्धता समेत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने एमएसएमई समिट में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर में सरकारी स्तर पर खरीद नियमों की पालना नहीं हो रही है। वैश्विक मंदी और कई समस्याओं से यह सेक्टर प्रभावित है, लेकिन कुछ बेहतर करने की संभावना हमेशा से इस क्षेत्र में बनी हुई है। एमएसएमई के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन इकाइयों के उत्पादों के बूते ही बड़े उद्योग दम भर रहे हैं। जीएसटी की शुरुआत से इकाइयों को परेशानी भी हुई तो लाभ भी पहुँचा है। कलराज मिश्र ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए शीघ्र पंजीयन के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें करीब 79 लाख इकाइयां इसके तहत पंजीकृत हुई हैं। हरियाणा में कह सकता हूं कि जो दो प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाले और उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है और दूसरा है एमएसएमई का क्षेत्र, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और सर्वाधिक स्वावलंबन के आधार पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। बैंकों के कर्ज बांटने की नीति पर भी सवाल उठाते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस क्षेत्र की मदद के लिए बैंकों को आगे आना चाहिए। बड़े उद्योगों के कर्ज एनपीओ होने से लघु इकाइयों को ऋण बांटने से बैंक पीछे हट रहे हैं, जबकि बड़े औद्योगिक समूह की बजाय छोटे कारोबारियों के कर्ज चुकाने के मामले में विश्वसनीयता ज्यादा है। राज्यपाल ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का विकास काफी महत्वपूर्ण है। मैंने एक शुरुआत की थी, रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, आपको ध्यान होगा, और उसमें बैंक ही प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता था। जिसको भी, जिस उद्यमी को लगता है कि हम 3 महीने के अंदर हम नहीं दे पाए, हमें अब अवसर मिलना चाहिए, तो बैंक को बकायदे वो आवेदन करेगा और विचार करने के बाद अगर उसको मिला
कि इसको इसकी जनरल परेशानी है तो उसमें अवसर और प्रदान कर सकते हैं, संभवतः करने की कोशिश की गई होगी। एमएसएमई समिट में प्रदेश में कारोबार में आ रही चुनौतियों, नीतिगत प्रावधानों, समस्याओं और नवाचारों पर मंथन किया गया। राज्य सरकार के नए एमएसएमई पोर्टल और एक्ट पर भी चर्चा की गई। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश उड़ान में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।